अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान आज रात और मैं हूं शहज़ाद इकबाल। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की सियासत पे, इस वक्त जो सियासत में उनका रोल है, आगे जाके जो सियासत में ये अपना रोल देखते हैं, क्योंकि मुमकिन है ये इलेक्शन का साल हो। सख्त जलसा इन्होंने किया, बड़ी कामयाबी से किया, उस पर भी हम बात करेंगे। और चंद ऐसे सवाल आते हैं जिनका जवाब पहले माजी में या हाल में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बड़ा डिफेंसिवली देती है, और कुछ सवाल तो ऐसे हैं जिनको वो क्रिकेटिंग टर्म्स में कहते हैं ना, वेल लेफ्ट कर देते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आज उन सवालों के भी जवाब जो है अपने व्यूअर्स के लिए हासिल करें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से। हमारे साथ आज MQM के मेंबर नेशनल असेंबली हैदर अब्बास रिजवी साहब मौजूद हैं। हम खुद 90 पे यहाँ पे इनके पास आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर साहब, आपने वक्त निकाला CNBC पाकिस्तान के लिए। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद हो। जो आपका सखर का जलसा था, बताया जा रहा है कि बड़ा कामयाब जलसा था, काफ़ी सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। कैसे देख रहे हैं इंटीरियर सिंध की सियासत, आप आगे जाके कोई बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो नॉर्मली कराची और हैदराबाद से सीटें लेती रही है, क्या इंटीरियर सिंध में भी इस दफ़ा आप लोग अपने कदम जमाने में कामयाब हो जाएंगे? शहज़ाद, सियासी तब्दीलियां बुनियादी तौर पर दो तरीक़े से हैं। एक तब्दीली जो कि फौरी तौर पर आती है वो, मगर वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, और परमानेंट चेंज के लिए, परमानेंट चेंज जो है वो बड़ा ग्रेजुअली आता है, और आहिस्ता 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 लोगों के जहन तब्दील होते हैं, दिलो दिमाग तब्दील होते हैं, और फिर बात आगे चलती है। MQM जो सिंध के अंदरूनी इलाके हैं उनमें मुसलसल मेहनत कर रही थी, और एक तवील जद्दोजहद है MQM की, और ख़ास तौर पर कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन के लिए लम्हे फिक्रिया था कि जो सिंध को तकसीम करने की साजिश की गई थी, जो कि देही सिंध और शहरी सिंध के दरमियान एक खलीज हायल की गई थी, MQM के लिए ज़रूरी था कि बहैसियत सिंध बेस्ड पार्टी के MQM आगे बढ़े। और अल्लाह का शुक्र है, आपने देखा कि गुज़िश्ता साल जो भिटशाह पे हमने जलसा किया वो एक तारीखी जलसा था, भिटशाह पर इतना बड़ा जलसा पहले कभी नहीं हुआ, और गुज़िश्ता दिनों हमने सक्खर में जो जलसा किया, अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कह सकते हैं कि सक्खर की तारीख में इतना बड़ा सियासी जलसा कोई नहीं हुआ। तो आहिस्ता आहिस्ता MQM जो है वो सिंध के अंदरूनी इलाकों में जो है वो फैल रही है, और हमारे 17 जोन्स काम कर रहे हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ बढ़ती चली जा रही है। कितना फैल चुके हैं आप लोग? 17 सीटें इस वक्त आपकी कराची से हैं नेशनल असेंबली की, 2 हैदराबाद से हैं, बाकी आपकी रिजर्व माइनॉरिटी सीट्स हैं। सीटें निकाल पाएंगे इंटीग्रेशन से? हमारी तो पूरी कोशिश है कि हम जितनी मैक्सिमम हो सके सीटें निकालें, और बहरहाल ये तो इलेक्शन डे पे ही पता चलेगा। मगर इसमें आप अपना रोल कितना देखते हैं? आपने तो कहा कि 17 जोन है आपके, आप लोगों ने बहुत काम किया है और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को जो है मैच्योर होने दिया है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फेलियर कितना बड़ा आपको सपोर्ट करेगा? देखिए, मैं अब भी ये समझता हूँ कि जो रूरल सिंध है उसकी सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मगर MQM का कारनामा यह है कि अब अंदरून सिंध की दूसरी सबसे बड़ी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है। तो अगर हम उनसे आगे नहीं निकल पाए तो कम से कम उनके पीछे पीछे हम ज़रूर हैं। लेकिन मेरा सवाल तो ये था ना कि उनका फेलियर क्या ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा? देखिए, फेलियर तो मैं सच नहीं कहूँगा कि जो सिचुएशन है इसमें उनको जिस तरीके की डिलीवरी करनी चाहिए थी शायद वो पूरे पाकिस्तान में ही मुमकिन नहीं हो सकी, और MQM जो है वो कंटिन्यूसली काम कर रही है, और जो MQM की जो तर्ज सियासत है, जो जागीरदारों वडेरों और बड़े जहाँ पर जिस तरह की सूरत हाल है, सिंध यकीनन जागीरदारों और वडेरों में जकड़ा एक सूबा है, और वहाँ पर हारी गरीब किसान मजदूर तबका नौजवान बेरोज़गारी जो है, और वहाँ की जो कानूनी लाकानूनियत है कि जिस तरीके से SHOs और DSPs को होल्ड किया जाता है और वडेरे जागीरदार अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं और गरीब पिस रहा है, उसमें MQM उनकी एक आवाज़ बन के उभरी है, और लोगों को अब तवक्को MQM के साथ है क्योंकि MQM उनकी आवाज़ से आवाज़ मिला। ये अच्छी बात है, वो आपके इत्यादि हैं पीपल्स पार्टी बेशक, लेकिन यहाँ पे उनकी नाकामियाँ हैं जो कि नज़र आ रही हैं इंटीरियर सिंध में, आप कह सकते हैं। ठीक है, और इसका एडवांटेज हो सकता है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आगे जिस तरह आपने काम किया आगे भी करते रहें। कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा की वर्ड है, बज वर्ड है यहाँ पर, कि जब हम कम तादाद में थे एक वक्त ऐसा भी था कि दुरून सिंह शायद बहुत मुश्किल था, MQM का परचम अगर किसी को दिखाई देता था तो तासुर अच्छा नहीं बनता था, मगर अब तो लोग देखकर गुजर जाते हैं और MQM एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट की तरह है कि हाँ, जैसे पीपल्स पार्टी का झंडा दिखाई देता है उसी तरह MQM। अच्छा, इलेक्शंस के वक्त तो कॉम्प्रोमाइज़ भी बहुत होते हैं ना हैदर साहब, अगर ऐसा हुआ कि शायद आप लोगों को सपोर्ट चाहिए कराची या हैदराबाद में, क्योंकि यहाँ पर भी बड़े बड़े जलसे हुए हैं, तो शायद कॉम्पिटिशन पिछले टाइम के मुकाबले में ज़्यादा हो, तो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाएगी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हमारा होल्ड जो है वो कराची में भी रहे, हैदराबाद में भी रहे, और हम जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएंगे इंटीरियर सिंध की सीटों पर? MQM की सियासी तारीख प्री इलेक्टोरल अलाइंसेस के हवाले से नहीं है,
और हमने माजी में हमने 9 इलेक्शंस लड़े मगर कोई प्री इलेक्टोरल अलाइंस नहीं किया, सीट एडजस्टमेंट्स हमने यकीनन किए हैं, तो अब देखते हैं आगे क्या सूरत हाल बनती है। मैं हाँ या नहीं कहकर दरवाजे एकदम बंद कर देने का कायल नहीं हूँ। तो लोगों की जो एक तासुर है, एक राय है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बारे में कि ज़्यादातर इनकी कोशिश होती है कि विनिंग पार्टी के साथ रहें, हुकूमत में साथ रहें, तो इसीलिए आपने जो है ये स्ट्रेटजी अपनाई हुई है कि प्री इलेक्शन आप किसी से अलायंस नहीं बनाएंगे। देखिए कुछ जमातें तो ये करती हैं कि वो प्री इलेक्टोरल अलायंसेस में जाती हैं और मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं, तो उसमें उनका मैंडेट वाज़ेह तौर पर सामने नहीं आ पाता। हमारी स्ट्रेटजी ये है कि जो हमारा मैंडेट है ऑन आर ओन, हम वो मैंडेट क्लियर कट लें और उसके बाद अगर किसी पॉलिटिकल अलायंस की तरफ जाना है तो फिर पॉलिटिकल अलायंस की तरफ जाएं। लेकिन हाउ डज इट वर्क आउट, क्योंकि अगर आपका मैंडेट कुछ और है, पीपल्स पार्टी का मैंडेट कुछ और है और बाद में आप उनके साथ 25 सीटों के साथ अलायंस बनाते हैं, तो आप अपना मैंडेट इंप्लीमेंट तो नहीं कर सकते। मैंडेट अगर कोई इंप्लीमेंट करेगा तो वही पार्टी करेगी जिसकी मेजोरिटी है अलायंस में। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर अगर 342 के आह्वान में 25 लोगों की आवाज़ कुछ सुनाई ना देती होती तो शायद एमक्यूएम एक बहुत ही छोटी जमात होती, मगर एमक्यूएम की 25 अरकान की जो कारकर्दगी है वो दिखाई तो ये जाता है जैसे 125 अरकान की है। कैसे, मतलब कैसा, ऐसा कौन सा काम किया जिससे हम कहें कि आपने 125 सीटों वाला काम कर लिया? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात तो 18वीं तरमीम में एमक्यूएम का पॉइंट एक्सेप्ट होना प्रोवेंशियल ऑटोनॉमी का, और फिर उस पूरी बार्गेनिंग में जो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट एमक्यूएम को जाता है कि जो प्रोवेंशियल ऑटोनॉमी का सब्जेक्ट वहाँ पर दोनों बड़ी जमातों ने अडॉप्ट ही नहीं किया था वो एमक्यूएम की वजह से अडॉप्ट करना पड़ा, और उसके बाद पूरी प्रोवेंशियल ऑटोनॉमी की जितनी शिकें हैं, एमक्यूएम का जो बिल था वो उसको डिस्कस और डिबेट किया गया और उसके ऊपर फिर बार्गेन हुई। लेकिन प्रोवेंशियल ऑटोनॉमी के लिए तो पीपल्स पार्टी, PMLN ये सब इस दौड़ में थे ना, ये सब इसके हामी थे। बात सब करते हैं मगर जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो कुछ लोग जो हैं वो हैं कवाकब कुछ। अच्छा, सखर का जो जलसा था उसमें टेलीफोनिक खिताब किया कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन साहब ने, उन्होंने सिंध नेशनलिस्ट के हवाले से एक बात की, मैं आपको भी सुनाना चाहूँगा, व्यूअर्स को भी सुनाना चाहूँगा, उस पर मैं आपसे एक सवाल करूँगा। नाज़रीन ये क्लिप देखते हैं सखर के जलसे में जो अल्ताफ हुसैन साहब ने बात की थी, वो क्या बात थी सिंध नेशनलिस्ट के हवाले से, इसके बाद हैद साहब सवाल करेंगे। नयार, नाम नयार, कौम परस्तों को मुखातिब करके ये कहना चाहता हूं, लड़ाओ और हुकूमत करो, लड़ाओ और सियासतबाजी करो। आप तुम्हारी ये सियासतबाजी लड़ाने की खत्म हो चुकी है आज, और आज देख लो यहाँ सिंधी बोलने वाले सिंधी, उर्दू बोलने वाले सिंधी भाइयों की तरह शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहिद होकर एक पंडाल में जमा है। जी नाज़रीन, ये क्लिप आपने देखा, ये सखर का जो जलसा था जुमे को हुआ था उसमें अल्ताफ हुसैन साहब ने टेलीफोनिक खिताब के जरिए ये बात कही थी। सिंध नेशनलिस्ट के हवाले से बात हुई, अभी आपने भी प्रोग्राम में कहा कि सिंध को तकसीम करने वाली साजिशें हम नहीं होने देंगे। उस दिन भी ये कहा कि उर्दू स्पीकिंग सिंधी हैं और जो सिंधी स्पीकिंग सिंधी हैं वो मिलजुल कर रहना चाहते हैं, उनको तकसीम करने की कोशिश ना किया जाए, डिवाइड एंड रूल की सियासत अब नहीं होगी। क्या इस पिछले साल 2011 में जो हमने एक जंग देखी कराची में, पठान भी उसमें मरे, उर्दू स्पीकिंग काफ़ी मरे, वो इन सिंध नेशनलिस्ट की वजह से हो रही थी? नहीं, आप शायद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट नहीं ले पाए कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन का। सिंध की जो सियासत है उसमें जो नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स है उसका एक अहम रोल है, और उसमें कुछ नेशनलिस्ट जमातें ऐसी हैं जो लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं, और ख़ास तौर पर जो उर्दू बोलने वाले सिंधी हैं उनके बारे में उनका तासुर ऐसा है कि जैसे वो सिंधी हैं ही नहीं, और वो हमेशा उनको एलियनेट करने की कोशिश करते हैं, उर्दू बोलने वाले सिंधियों को एलियनेट करने की कोशिश करते हैं सिंधी बोलने वाले सिंधियों के साथ। तो कायदे तहरीक का इशारा बड़ी वाज़े तौर पर उन नाम नहाद, क्योंकि कायदे तहरीक ने वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि उन नाम नहाद नेशनलिस्ट पार्टियों के चैलेंज किया कायदे तहरीक ने कि वो आकर देखें कि इस जलसे में भी उर्दू बोलने वाले सिंधी और सिंधी बोलने वाले सिंधी इंतहाई मोहब्बत के साथ एक ही जगह पर बैठे हैं, और उन्होंने वार्न किया है कि लड़ाओ और हुकूमत करो की जो सियासत है उसको ख़त्म करो। तो ये जो डिवाइड है, डिवाइड एंड रूल का उन्होंने इस्तेमाल किया था ना अल्फाज, तो डिवाइड इज बिटवीन उर्दू स्पीकिंग और सिंधी स्पीकिंग, जो कायदे तहरीक ने रेफर किया है, अगर आप उर्दू स्पीकिंग सिंधी और सिंधी स्पीकिंग सिंधी के दरमियान जो खलीज डिवाइड, मैंने आपको बताया ना कि सिंध को एक साजिश के जरिए दो हिस्सों में तकसीम किया गया, एक अर्बन सिंध किया गया, एक रूरल सिंध किया गया, जबकि किसी और सूबे में ऐसी कोई सूरत हाल है नहीं।
हद साहब, ये इल्ज़ाम तो माजी में भी आप पर लगता रहा है, आपकी पार्टी पर, और अभी भी लग रहा होता है कि जब भी आप सूबों की बात करते हैं पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी, तो सबका इशारा होता है कि मुस्तकबिल में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कराची सूबे की डिमांड करेगी और कराची को तकसीम कर देगी, अर्बन सिंध अलग हो जाएगा, रूरल सिंध अलग हो जाएगा। ये इल्ज़ाम तो हमेशा से आप पर लगता रहा है, आप लोगों ने इस इल्ज़ाम को साफ करने की भी कोशिश की है, लेकिन इस दफ़ा आपने सिंध नेशनलिस्ट पर इल्ज़ाम लगा दिया। देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि अगर हम अंदरून सिंध काम कर रहे हैं, अपने आप को न सिर्फ सिंध में बल्कि पंजाब में इस्टेब्लिश कर रहे हैं, पख्तूनख्वा में इस्टेब्लिश कर रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम पाकिस्तान को नेशनल लेवल की जमात MQM को बनाना चाहते हैं, और बहुत हद तक MQM नेशनल लेवल की जमात भी है। अब एक वक्त था कि जब कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास की जमात कहा जाता था MQM को, मगर भिक्षा में इतना बड़ा जलसा करने के बावजूद, बाद चक्कर में जलसा करने के बावजूद, अगर किसी के जहन में ये सवाल है कि MQM खुदा न खास्ता क्या सिंध की तकसीम चाहती है, कार्य तारीख ने जलसे में बड़े वाज तौर पर कहा कि सिंध हमारी माँ है और हम सिंध के बेटे हैं। जब इस बात को वाजे तौर पर कह दिया, डॉक्टर फारूक सत्तार ये कह चुके कि सिंध की तकसीम ना खपड़ ना खपड़ ना खपड़, तो इससे ज़्यादा वाजे तौर पर और कोई बात की नहीं जा सकती। और वो तमाम लोग जो ये समझते हैं कि खुदा ना खास्ता MQM के दिमाग में ऐसी कोई बात है, तो उनकी तादाद बहुत थोड़ी है, और वो जो MQM पर यकीन रखते हैं वो भिक्षा के जलसे मेरे ख्याल से तादाद तो जो है कराची के बाहर अगर आप जाएंगे और फिर सिंध के बाहर जाएंगे तो उस तादाद में इजाफा होते रहता है। अगर इजाफा होता तो शायद जलसे में इतने लोग मौजूद ना होते। अच्छा, ये जो सिंध की तकसीम की बात है, अगर आप बयान से ही इसको जज कर रहे हैं, तो कल अगर कोई सिंध नेशनलिस्ट पार्टी या दो पार्टी या तीन पार्टी आके कह देती हैं कि हम भी सिंध की तकसीम नहीं चाहते, तो फिर इसका मतलब आपका भी बयान जो है सिर्फ सियासी बयान रहा ना? आप नहीं समझे, कायद तहरीक ने जिस तकसीम की बात की वो सिंध की तकसीम की बात नहीं की। नेशनलिस्ट पार्टी सिंध की जोग्राफियाई तकसीम नहीं चाहते, बल्कि वो उर्दू बोलने वाले सिंधियों और सिंधी बोलने वाले सिंधियों के दरमियान नफरत की तकसीम चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि कभी भी उर्दू स्पीकिंग सिंधीज को सिंध का बेटा तस्लीम ना किया जाए, फर्जंद ज़मीन तस्लीम ना किया जाए। अच्छा, ये जो जलसों की बात हो रही है कि भिक्षा में आपका बड़ा जलसा था, तादाद के हिसाब से लोग काफ़ी थे, सखर में काफ़ी ज़्यादा लोग थे, कितना जज कर सकते हैं? क्योंकि अभी मौलाना फजल रहमान साहब ने जलसा किया कराची में, बहुत लोग आए उसमें, इमरान खान का जलसा था, बहुत लोग आए, लोग कह रहे हैं कि कराची की तारीख में पिछले 25-30 साल में अगर किसी ने इतने शायद बड़े जलसे किए हो तो वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने किए, बाकी किसी जमात ने नहीं किए। तो अगर हम सिर्फ तादाद पर जाएँ तो क्या कराची के डायनामिक्स भी बदल रहे हैं? सियासी पार्टीज़ अब आपको ज़्यादा कॉम्पिटिशन देंगे अगले इलेक्शन में? देखिए, हम तो एक जमहूरी जमात हैं और हम ये चाहते हैं कि जो कोई भी अपने मैनिफेस्टो को हमारे जहाँ पर मैंडेट है, अगर वहाँ आके वो डिस्कस और डिस्क्राइब करना चाहता है, उसको अनफोल्ड अनलीश करना चाहता है, तो इसका जमहूरी हक है। और ये कराची का मिजाज जो इंतहाई जमहूरी है कि कोई भी जलसा करे, कराची की आवाम उसको सुनती है। अब देखते हैं कि सूरत हाल क्या बनती है। लोग अगर इन तमाम जलसों को MQM के जलसों से कंपेयर किया जाए या ये समझा जाए कि शायद MQM के मैंडेट को थ्रेट है इससे, तो मैं ये समझूँगा कि ये थोड़ा सा लोग जो हैं वो उससे काम ले रहे हैं, क्योंकि MQM का मैंडेट तो अपनी जगह पर है। MQM अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड से बाहर निकलकर जब इतने बड़े जलसे कर रही है, अभी मैं हज़ारा में जलसा करके आया हूँ, अभी आपने सखर का जलसा देखा, तो हम अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड से बाहर निकलकर जब इतने बड़े कुछ अर्से पहले, हैदर साहब, नवाज लीग भी इसी खुशफहमी में थी कि एक बड़ा जलसा करने से हमें कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लगता है कि उनको वो थ्रेट महसूस हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके मैंडेट पर बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा, लेकिन फिर भी मुमकिन है कि कंपटीशन आपको ज़्यादा फेस करना पड़े। हम तो इमरान खान साहब के जलसे से खुश हैं और फजल रहमान साहब के जलसे से भी खुश हैं, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि कराची में MQM मुखालिफ एक वोट बैंक है, इसमें कोई कलाम नहीं। मतलब कुछ MQM के सपोर्टर्स हैं और कुछ MQM के सपोर्टर्स नहीं हैं, और इमरान खान साहब और फजलुर रहमान साहब यकीनन उस वोट बैंक में से जो MQM मुखालिफ वोट है उसमें से अपना हिस्सा जो है वो क्लेम कर रहे हैं, और अगर वो तकसीम दर तकसीम हो रहा है तो सियासी तौर पर हमारे लिए कोई ऐसी बुरी बात नहीं। मुझे एक ब्रेक लेना है, इस ब्रेक के बाद हम ये भी पूछेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो ये बड़ा सवाल किया जाता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ, कराची में आपने जलसा भी किया, किसी किस्म की आपको जो है इशूज़ भी नहीं पेश आए, तो किसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग है या नहीं, ये हम हैदराबाद साहब से भी पूछेंगे एक ब्रेक के बाद।